Can a person attend a walima of a person after knowing that the one who is getting married borrowing a loan for his marriage expenditure? मतलब फर्ज से लेकर कर रहे हैं तो ऐसा वलीमा अटेंड करना क्या जायज है? बैंक से लोन लिया गया हाँ, तो अब दोनों की नवयत बदल जाएंगी मेरे भाई। आप सिर्फ कर्ज लेकर जाना वलीमा करने की बात बता रहे थे, बैंक से कर्ज लेकर लोन लेकर वलीमा करने की बात जी। तो सवाल ये किया जा रहा है कि एक ऐसा बंदा जो अपनी शादी ब्याह के लिए बोल के बैंक से कर्ज लेकर जाना उसके अखराजात पूरे करना चाह रहा है, तो उस बंदे के वलीमे में शिरकत का क्या हुक्म है? तो बिला ज़रूरत बंदा वलीमा करने के लिए या कोई भी और जनत, शादी ब्याह हमारे अपने शरीयत में बहुत ही सिंपल है, बहुत मामूली सी चीज़ है जी। तो आदमी के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वलीमा कराए तो एक आदमी को बोल के वो जना 700 रुपए का प्लेट है ना खिलाए, या कोई और जना बड़े जना होटल 5-star होटल में ही जना वो वलीमा करे, या कहीं और बिल्कुल 4 आदमी जमा हुए और उनके सामने वो वलीमा कर लिया, हल्की फुल्की जो भी चीज़ उसी पर जना शादी हो सकती है। ये सब गैर ज़रूरी जो ना काम है, और ऐसे गैर ज़रूरी कामों के लिए अगर उसमें भी बैंक, आदमी तो किसी और से कर्ज ले रहा है तब भी फिर भी माकूल है बात कि हाँ साहब वो अदा करने वाला है तो लेने के लिए उसको इजाज़त देंगे बोल के, लेकिन बैंक से इजाज़त यानी बैंक से कर्ज लेना कि जिसका कर्ज वापस करते हुए उसको जो ना सूद के बगैर अदा ही नहीं हो सकता हो, तो सूदी कर्ज लेना ही किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। बिल्कुल, तो ऐसा आदमी के जिसके बारे में हमें मालूम हो कि हाँ जिसने सूदी कर्ज लेकर वलीमा किया कर रहा है, तो फिर उसके वलीमे में जरा शिरकत करने से भी जरा अवॉइड करना चाहिए।